Hello students, welcome to our fifth lecture, that is ray diagrams for convex mirror. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में इमेज केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम देखते हैं कि ये रे डायग्राम्स जो होंगे खास करके रेज कैसे बिहेव करेंगी व्हेन दे विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर. लेट्स सी. तो मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? सपोज दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस और यहां कहीं आपका ये कर्वेचर मैंने बना दिया फॉर कॉन्वेक्स मिरर. सो यू सी दैट दिस इज इट्स रिफ्लेक्टिंग साइड, ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये पीछे वाला ऑपेक साइड है, राइट? तो यहां कहीं सपोज इसका फोकस होगा और यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मिरर का पोल होगा, राइट? तो एग्जैक्टली जिस तरह से हमने इससे पहले रे डायग्राम्स बनाए थे कॉन्केव मिरर के लिए, एग्जैक्टली अभी भी हम वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी रे डायग्राम्स बनाएंगे. तो पहला वही केसेस फॉलो करेंगे. पहला केस क्या था? व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? तो ठीक है, ये मेरा पहला रे है व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सी, तो ये है व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये जो कुछ स्टैंडर्ड केसेस है हमने इन्हीं को याद रखा हुआ है, ठीक है? इन्हीं की मदद से हम इमेज केसेस ड्रॉ करते हैं. तो अगर हम ये केस देखते हैं कि व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये किस तरह से बिहेव करता है, तो हमने लेबोरेटरी में देखा व्हेन द रे वाज प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमने देखा ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होता है, सॉरी रिफ्लेक्ट होता है, दैट इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रही है, दिस रे इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लग रहा है कि ये रे असल में प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, लाइक दिस, राइट? इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे प्रिंसिपल फोकस से आई थी. तो दिस इज हाउ इट बिहेव्स, राइट? इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये रे निकलेगी और एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगेगा कि ये कहां से आई थी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है? तो इस तरह से ये पहला केस हमारा बिहेव करता है. लेट्स सी कि अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, एग्जैक्टली इसी का रिवर्स, तो क्या है वो चीज, लेट मी शो. नाउ इफ ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर इन सच अ वे, इस तरह से ये रे इंसिडेंट हो रही है कि ऐसा लग रहा है दैट इट इज गोइंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जा रही है, राइट? इमेजिन दिस कि ये रे यहां से आई ऐसे, और अगर कोई यहां पे ये मिरर नहीं होता तो ऐसा लगता कि ये रे जो है ये फोकस के थ्रू जा रही थी. तो बिकॉज देयर इज मिरर देयर, राइट? मिरर वहां पे है, तो मिरर होने की वजह से ये रे जो है रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से दैट इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि फर्स्ट केस का बिल्कुल रिवर्स. तो सेकेंड केस बिल्कुल फर्स्ट केस का रिवर्स है. तो पहले केस में वो क्या कहते हैं, इफ ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा दैट इट इज इट वॉज कमिंग फ्रॉम फोकस, ये फोकस से आ रही थी रे. एंड सेकेंड केस क्या है कि अगर कोई रे इस तरह से इंसिडेंट है कॉन्वेक्स मिरर पे दैट इट फील्स लाइक इट लुक्स लाइक दैट इट इज गोइंग थ्रू फोकस, ये फोकस के थ्रू जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस. अब थर्ड केस के बारे में बात करते हैं. अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस बहुत ही ज्यादा सिंपल है. थर्ड केस कहता है कि अगर कोई रे इस तरह से आ रही है कि ऐसा लग रहा है दैट इट इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लीजिए ऐसा ऐसी एक रे आ रही है, ये रे इस तरह से आ रही है, इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ऐसा लग रहा है. अगर मिरर वहां पे नहीं होता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू सपोज ये रे जाती, तो बिकॉज इट इज इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रे एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी. ऐसा क्यों, बिकॉज इस पॉइंट पे ये रे जो है मिरर के उस पॉइंट पे जहां पे ये स्ट्राइक कर रही है ये एग्जैक्टली उस पे नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बन रहा है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है बिकॉज नॉर्मल के अलोंग रे जा रही है, तो अगर नॉर्मल के अलोंग है, लेट मी शो यू हियर, अगर ये आपका मिरर है, ये आपका नॉर्मल है मिरर का सपोज, और इसी पॉइंट के अलोंग आपका
इंसिडेंट रे आ रही है इसी पॉइंट के अलोंग, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो हेयर, तो इसी पॉइंट के अलोंग या इसी पाथ के अलोंग आपका रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां से मुझे ये समझ आया कि इफ ए रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर इन सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक या इट अपीयर्स टू बी गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एग्जैक्टली फॉलोज द सेम पाथ बैक. आई होप दिस इज क्लियर और ये सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी. सो लेट्स सी दीज थ्री डायग्राम्स. तो ये है आपकी पहली डायग्राम, व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से देखें, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग थ्रू, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, राइट. सो दिस सेकेंड वन, इफ ए रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर इन सच अ वे कि इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज एग्जैक्टली द सेम पाथ बैक, राइट. दिस इज, एंड दिस इज द थर्ड केस, कि अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है दैट इट इज इट अपीयर्स टू बी गोइंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आई होप ऑल दीज केसेस आर क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस इमेज केसेस. नाउ सीधा का सीधा इमेज केसेस अब डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. नाउ what kind, how many cases are there? There are only two cases here about convex mirror. सीधे सीधे दो ही cases हैं. एक, when the object is at infinity. Let me draw here. Suppose ये आपका convex mirror है. Here. This is your convex mirror. यहाँ कहीं आपका focus है, यहाँ कहीं आपका center of curvature है, और ये यहाँ कहीं आपका pole है. तो imagine आपका जो object है वो कहाँ पे है? It is at इन्फिनिटी. फर्स्ट केस इज ऑलवेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सी दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ये लीजिए, मैंने दो रेज इन्फिनिटी से लाए हैं. इन्फिनिटी से पैरेलल रेज क्यों आ रही है? बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो बाकी सारी रेज डाइवर्ज हो जाएंगी. तो जो रेज इस मिरर तक पहुंच रही है ऑब्वियसली वो पैरेलल ही रहेंगी. नाउ हमें पता है कि जब एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, then after reflection it looks like it is going through focus, it is sorry coming from focus. तो ये इस तरह से reflect होगी, इस तरह से. इसी तरह से ये ray भी है, ये parallel to principal axis है, तो ऐसा लगेगा reflection के बाद कि ये कहाँ से आई थी? Focus से. तो ये लीजिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये focus से आई थी. अब अगर मैं दोनों rays को देख रहा हूँ, ये ray भी और ये ray भी, because they are diverging, तो इसका मतलब इस साइड से ये बिल्कुल जिस तरह से सिक्स केस आपका था, डाइवर्जिंग रेज है. आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्जिंग है, तो वो उस साइड से ऑब्वियसली इस साइड से कोई भी इमेज नहीं बनने वाली. रीजन सी सिंपल है, बिकॉज द रेज आर डाइवर्जिंग, दे आर नॉट गोइंग टू मीट. तो क्या करेंगे हम? दूसरे साइड से, मिरर के पीछे वाले साइड से इनको प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर मैं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के पीछे साइड से प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? देखें, ये रे जब मैं पीछे मिरर के प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये कुछ इधर से जा रही है, और ये रे भी जब मैं मिरर के पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट फोकस. तो आप देख रहे हैं, दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज. तो आप यहां देख रहे हैं दैट इमेज फॉर्म्ड हियर इज वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड. ठीक है, तो जब मैं कंक्लूजन लिखूंगा, तो पहला कंक्लूजन क्या लिखूंगा? इमेज कहां बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. ये मेरा पहला कंक्लूजन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, राइट. सेकंड वन, इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में या कितनी छोटी है? तो सोचिए, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मान लीजिए सन, और उसकी इमेज फोकस पे बन रही है बिल्कुल पॉइंट साइज, तो आप कहेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप कहेंगे पॉइंट साइज. और यू कैन ऑल्सो से एच टू इज वेरी स्मॉल देन एच वन, वेरी 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 स्मॉल देन एच वन, राइट. ओके, थर्ड, इसका नेचर कैसा है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज जो है वो रियल रेज से नहीं बन रही है, रियल रेज एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होके पता नहीं कहाँ जा रही है, दे आर डाइवर्जिंग, बट दे आर नॉट, द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड बाय द डाइवर्ज रेज, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूस्ड रेज. हमने पीछे से रेज को प्रोड्यूस करके बनाया था, तो इसका मतलब यहाँ जो इमेज बन रही है इट इज वर्चुअल. और अगर वर्चुअल है तो मैं साथ में इरेक्ट भी लिखूंगा, ई आर ई सी टी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर, एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी. दिस इज वेरी सिंपल, राइट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, राइट. लेट्स नाउ क्लियरली सी कि ये लीजिए, ये आपका केस है, ये इसके कंक्लूजन्स है.
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो आपका इमेज जो है वो फोकस पे बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसने थोड़ी सी इमेज डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट ड्रॉ की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमने ड्रॉ किया है। आप कोई भी तीन केसेस यूज करके, रे डायग्राम्स के तीन केसेस यूज करके यू कैन मेक द इमेज, इट डजंट मैटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सी उसने क्या यूज़ किया, व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियसली व्हेन द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो कहाँ से जाती है, वो डाइवर्ज होती है। किस तरह से डाइवर्ज होती है, इट अपीयर्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। अनदर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ली है और इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, तो इस साइड से कोई इमेज नहीं बनेगी। आप इनको पीछे प्रोड्यूस करें तो अगेन दे आर मीटिंग इन फोकस। तो चाहे आप उस तरह से ड्रॉ करें या हमारे तरीके से ड्रॉ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स सी अनदर केस। तो ये आपका है ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस हेयर इज योर कॉन्वेक्स मिरर, राइट, हेयर इज पोल, हेयर इज फोकस, हेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आप देखें, इस साइड से आप अगर आप देखें कोई भी लैंडमार्क नहीं है, तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इन शॉर्ट पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, यानी कि पिक्चर में नहीं था, अब कहीं भी आप रख दें पिक्चर में बस। तो इसका मतलब सेकेंड केस इज समथिंग लाइक एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकेंड केस, केस सेकेंड क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी आप रख दीजिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। अब बिल्कुल सेम चीज है वहां से करेंगे, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट लुक्स लाइक ये कहां से आई थी, ये आई थी फोकस से, तो कुछ रे इधर को जा रही है। अब सेकंड केस, लेट्स यूज सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे, तो ये लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे मैं यूज कर रहा हूं, तो ये एग्जैक्टली इसी पाथ को फॉलो करके वापस जाएगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है, राइट। तो यू सी ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, रेड रे इधर जा रही है, ब्लैक रे इधर वापस जा रही है, तो दे आर नॉट मीटिंग, दे आर डाइवर्जिंग अगेन। तो अगर मुझे इनको मीट करवाना है तो बेसिकली मुझे मिरर के पीछे जाना होगा। तो जब मैं इनको प्रोड्यूस करवाता हूँ, व्हाट डू आई सी, तो जब मैं इनको प्रोड्यूस पीछे करवाता हूँ, तो ये रे जब प्रोड्यूस पीछे होगी तो यहाँ कहीं जा रही है, ब्लैक रे जब पीछे प्रोड्यूस करूँगा तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कहीं मीट कर रही है, तो देन दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज, राइट, ये कोई आपका इमेज है, दिस इज योर ए डैश, दिस इज बी डैश, ऑब्जेक्ट ये था आपका ए बी। सो यू सी दैट इमेज फॉर्म्ड हेयर इज वर्चुअल नाउ। तो कंक्लूजन्स में क्या लिखेंगे हम, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, दिस इज योर कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन सेकेंड, अब इमेज जो है थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट अभी भी ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो आई विल राइट एच टू इज स्मॉलर देन एच वन, राइट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट, ओके। थर्ड केस या थर्ड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो आपको एक चीज याद रखना होगा दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है। नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस, हमने कॉनकेव के, कॉनकेव का हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट एक वर्चुअल केस देखा, सिक्स्थ केस, और कॉन्वेक्स का भी हमने वर्चुअल केसेस देखे, दो केसेस थे। तो हमने क्या देखे कि कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में पहले तो दो केसेस हैं वर्चुअल के, राइट, एंड इन बोथ केसेस, बोथ केसेस इमेज इज स्मॉल, बोथ केसेस इमेज इज स्मॉल, इमेज इज स्मॉल। जबकि अगर मैं कॉन्वेक्स की, सॉरी कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव, तो वहां पे एक ही वर्चुअल केस है, एक ही वर्चुअल केस है,
एंड यहाँ पे इमेज जो है, इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं लिखूंगा एच टू इज ग्रेटर देन एच वन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ दैट इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाइए दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर. अगर मैं ऐसा कहूँ दैट इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स दिस इज कॉनकेव मिरर. अगर मैं ये कहूँ इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो समझ जाइए दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नाउ लेट्स क्विकली सी दिस केस. ओके, सो हियर वी हैव दिस केस एंड यू कैन सी, अगर आपको ये प्रॉपरली देखना है तो आप यहाँ स्टॉप कर सकते हैं. नाउ दिस इज द क्विक समरी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे. वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. स्फेरिकल मिरर्स का ये केस है, सिंपल सिंपल. अब बात सिर्फ इतनी है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट? और पॉइंट साइज वहाँ भी था, पॉइंट साइज यहाँ भी है. एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड कहीं पे भी आप मिरर के सामने रख दीजिए तो इमेज जो बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी, राइट? और इमेज छोटी होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. नाउ आई वॉन्ट टू मेक वन मोर थिंग क्लियर हेयर, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ. नाउ वी हैव हेयर एन एनिमेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. So here I see I have a candle as object in front of the convex mirror, and I see a virtual image, small virtual image formed behind the mirror. Now, if I move the mirror candle, suppose away from the mirror, what do I see? That the image is also going away from the mirror, but up to the focus only. And when I bring the object closer, मैं क्या देख रहा हूँ कि image भी मिरर की तरफ आ रही है. और अगर सपोज मैं ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में सपोज ले रहा हूँ सपोज 10 सेंटीमीटर एंड मान लीजिए फोकस और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, राइट? तो आई कैन क्लियरली सी दैट जितना तेज़ी से मैं ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहा हूँ, imagine the object covering a distance of infinity, right? Infinity से वो आ रहा है और mirror की तरफ जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो image है वो focus के दूर नहीं जा रही है, focus के बाद नहीं travel कर रही है, वो बस focus और mirror के बीच में ही travel कर रही है. इसका मतलब आप object को बहुत तेज़ी से move करा रहे होंगे और image बहुत slowly mirror की तरफ आ रही होगी अगर आप object mirror की तरफ ला रहे हैं, right? So it's a very clear case here. Thank you.